नमस्कार मित्रों, इंडिया स्पीक्स डेली पर आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे उस अवार्ड वापसी गैंग के बारे में जिसका एक्सपोजर, जिसका खुलासा खुल साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी ने किया है। इंडिया स्पीक्स डेली पर इसकी खबर आप लोगों को आज से 2-3 दिन पहले हमने दी थी, 7 अगस्त को दी थी, और काफी सारे लोगों ने इसको पढ़ा है, इसको शेयर किया है। लेकिन चूंकि लेख बहुत लंबा था विश्वनाथ तिवारी जी का, इसलिए बहुत सारे लोगों का ये आग्रह था कि हम ठीक से समझ नहीं पाए, आप इसको समझाइए। हम वहां गए लेकिन इतना लंबा है कि हम समझ नहीं पाए। ये आज की विडंबना है कि हम बड़े लेख नहीं पढ़ना चाहते, हम शॉर्टकट में रहते हैं, रेडी टू ईट 2 मिनट नूडल्स की तरह चीजें चाहते हैं। यही वजह है कि हम साजिशों को सत्ता के गलियारों में, सत्ता के लिए जो साजिशें चलती है उसको नहीं समझ पाते, और मेन स्ट्रीम मीडिया हमें मिसगाइड कर जाता है। शुरुआत हम करते हैं कल परसों की घटना से। कर्नाटका में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध है, सरकार वहां कांग्रेस और कुमारस्वामी के संयुक्त सरकार चल रही है, कुमारस्वामी वहां मुख्यमंत्री हैं। वहां जो अवैध बूचर खाना है, जो कसाई चलाते हैं और एक समुदाय विशेष के शांतिप्रिय लोग चलाते हैं, वो नवजात जो बछड़े होते हैं, गाय ने जो भी बछड़ा दिया, 100-200 बछड़ों के एक दिन में काटते हैं नवजात बछड़ों को ले जाके, क्योंकि उनका मानना है नवजात बछड़ों का मांस अच्छा होता है। पूरा ये मीट माफिया है जो बाहर तक सप्लाई करते हैं। प्रतिबंध के बावजूद ये कानून तोड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब इसकी खबर मिली, इंडिया टुडे का रिपोर्टर वहां गया, पशु प्रेमी लोग वहां गए, तो जो सांठगांठ है पुलिस की, आप जानते हैं, क्योंकि मीट माफियाओं से पैसा लेती है पुलिस हर जगह की, इसलिए गो तस्करी और मीट के व्यवसाय में साफ साफ पुलिस की संलिप्तता स्थानीय स्तर पे होती है। उन लोगों ने सूचना दे दी, इंडिया टुडे के रिपोर्टर को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, पथराव किया गया, मारा गया, पशु प्रेमियों को मारा गया। लेकिन बात बात पे चिल्लाने वाला रवीश, बात बात पे चिल्लाने वाला सिद्धार्थ वरदराजन, बात बात पे चिल्लाने वाला शेखर गुप्ता, सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई, ये जो मॉब लिंचिंग का जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट गढ़ा, और उस कॉन्सेप्ट, मॉब लिंचिंग पुराना शब्द है लेकिन कॉन्सेप्ट गढ़ा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हिंदू ही मॉब लिंचिंग करते हैं, ये इन्होंने गढ़ा। गौ बचाने के नाम पे गौ तस्करों को मारते हैं, ये गौ बचाने के नाम पे मासूमों को मारते हैं, जो इनकी पूरी कॉन्सेप्ट है। पत्रकार को दोहराया गया, पर आपने सुना क्या, कभी सुना क्या इन लोगों ने मॉब लिंचिंग पे कोई खबर लिखी हो? इंडिया टुडे ने का पत्रकार दोहराया गया इसलिए इंडिया टुडे ने लिख दिया वेब पे, लेकिन इंडिया टुडे के आज तक पे जो 24 घंटे अखलाक चल रहा था, जुनैद खान चल रहा था, पीलू खान चल रहा था, आपने इसकी कोई रिपोर्ट देखी? उसी आज तक पे, उसी टुडे, इंडिया टुडे न्यूज चैनल पे कांवड़ियों पे कोहराम मचा रखा है राजदीप सरदेसाई ने, पर उसका रिपोर्टर पिट के आया है, उसने कुछ आपने सुना? आम रिपोर्टरों को पिटने के लिए ये छोड़ते हैं, और एडिटर गिल्फ में बात हाथ मारने वाले प्रसून वाजपेयी जैसों की हो जाती है, रिपोर्टर आम पिटता है। क्योंकि कर्नाटका में इनकी माय वाइफ की सरकार है, सोनिया इनकी माता है, कांग्रेस की सम्मिलित सरकार है, इसलिए इन्होंने इस पूरे मामले को दबा दिया। इसी कर्नाटका में जब कलबुर्गी की हत्या हुई थी, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, आरोप इन्होंने मोदी पे लगा दिया, प्राइम मिनिस्टर पे। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। आज उसी में 200-200 बछड़े मारे जा रहे हैं अवैध रूप से, और जो रिपोर्टर कवर करने जा रहा है उसे दौड़ाया जा रहा है, लेकिन ये फिर भी खामोश हैं। ये देखिए कि गांधी परिवार के प्रति इनकी भक्ति, इनकी चापलूसी, इनकी पीढ़ीगिरी कितनी मजबूत है कि अपनी बिरादरी को पिटता हुआ देख के भी ये चुप हैं। ये तब निकलते हैं जब इनकी बिरादरी या इनके माए बाप कन्हैया और उम्र खाली जैसे मुद्दे को इनको उठाने के लिए कहते हैं, और ये तब कहते हैं कि जी हाँ, हमें मारा गया, पटियाला हाउस कोर्ट में पीटा गया,
इस तरह के मुद्दे करके ये पूरे टुकड़े गैंग को बचाने के लिए उतरते हैं। अब ये जो मीट वाला इशू है यही अखलाक के साथ था। फॉरेंसिक लैब में ये बात साबित हो चुका है कि अखलाक ने बछड़े के उसके परिवार के उसके फ्रिज में उसके घर में एक बछड़े का मांस था। यूपी में भी गोहत्या कानून लागू है, प्रतिबंधित है। और हम सब गांव से बहुत सारे लोग आए हैं, इस तरह किसी का गाय और बछड़ा बगल से चुरा के ले जाके काट देंगे तो वो चुप नहीं रहता है, ये नहीं होता है। आदमी की हत्या गुनाह है तो गाय और बछड़े की हत्या भी गुनाह है। कानून का अगर एक पक्ष पालन करेगा तो दूसरा पक्ष भी करेगा। आप दूसरे पक्ष से नहीं उम्मीद कर सकते कि ये आदमी तो कानून तोड़ता रहे, हत्या पे हत्या करता रहे और दूसरा मूक दर्शक पुलिस का इंतजार करता रहे। पुलिस का इंतजार किया था उसी मुजफ्फरनगर में जब अखिलेश की सरकार थी, और अखलाक वाले इशू में ही उन लोगों ने जो पीड़ित थे उस पीड़ित पे ही केस बना के और शांतिप्रिय समुदाय को छोड़ दिया, पुलिस का इंतजार किया था। कानून व्यवस्था आप जब नहीं लागू कर पाएंगे तो ये स्थिति होगी। इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अब उस पे जो मामला खुला है कि उस अखलाक के मृत्यु पे जो इन लोगों ने अवार्ड वापसी गैंग ने जिस तरह से मोदी सरकार को घेरा और इस देश में असहिष्णुता का माहौल पैदा किया, आमिर खान की बीवी डर के दुबई भागने की कोशिश करने लगी, शाहरुख खान डरने लगा, सलमान खान डरने लगा, पता नहीं कितने जावेद अख्तर बेचैन हो गए, सवाना पगलाने लगी, ये सारे लोग, इनके लिए यही शब्द मैं कहूंगा क्योंकि इन्होंने भारत के साथ बहुत बड़ा असहिष्णुता किया है, ये दिवाकर बनर्जी, ये वो लोग जिन्होंने देश को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया, अब साबित हुआ है ये सब गाइडेड था। इसमें तीन बयान आए। साहित्य अकादमी का इन लोगों ने पुरस्कार जो लौटाया था, उस साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाया था, ऐसे करीब 40 लेखक थे, 40 लेखक जो साहित्य अकादमी के उस समय के अध्यक्ष हैं विश्वनाथ तिवारी जी, उन्होंने अपना एक संपादकीय लिखा सबूतों के साथ 10 पन्ने का बहुत बड़ा है जो इंडिया स्पीक्स पे आपको दिया था, और संपादकीय में उसका पूरा खुलासा किया कि कैसे इस अवार्ड वापसी गिरोह ने साजिश किया। पहली साजिश उसमें थी कि 22 जुलाई 2016 को इन लेखकों के साथ दिल्ली के में जेडीयू के नेता केसी त्यागी के घर पर बैठक हुई जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि अवार्ड वापसी और असहिष्णुता के नाम पर बिहार का चुनाव जीता गया, पूरे बिहार का चुनाव खत्म, असहिष्णुता भी खत्म, अवार्ड वापसी भी खत्म, और झूठ मूठ का आरक्षण खत्म होने का प्रोपेगंडा भी खत्म। तो बिहार के चुनाव से साफ साफ ये कोरिलेटेड था। उस वक्त जो लेफ्ट लिबरल्स है, कांग्रेस है, कांग्रेस के पार्टनर थे तब नीतीश कुमार लालू, इनके लिए बहुत बड़ी बेचैनी थी कि बिहार से ही हर क्रांति होती है, हमेशा हुई है, तो बिहार में अगर वो जंग जीत जाते हैं पूरे देश में एक माहौल बनाने को मिलेगा कि मोदी सरकार असहिष्णु है। इसके लिए 22 जुलाई 2016 को केसी त्यागी के घर पे नीतीश कुमार की मौजूदगी में अवार्ड लौटाने वाले जिन्होंने इन लोगों ने बाद में लौटाया, नीतीश कुमार से मिलने के बाद अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में साहित्यकार अशोक वाजपेयी और कांग्रेस के बहुत बड़े चप्पल चाटुकार अशोक वाजपेयी की पूरा कैरेक्टर कांग्रेस का चप्पल चाटुकार है। तो अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में करीब 5 लेखक के साथ बैठक हुई नीतीश कुमार की केसी त्यागी के घर में। यह विश्वनाथ तिवारी जी ने कहा। अभी केसी त्यागी ने भी एक चैनल से बातचीत में स्वीकार किया कि हाँ बैठक हुई थी, लेखक भी थे उसमें, नीतीश कुमार भी थे, मैं भी था, उद्देश्य कुछ और था। चैनल ने फिर अशोक वाजपेयी से पूछा जिस पे आरोप है। अशोक वाजपेयी ने कहा हाँ मीटिंग हुई थी, हम वहां गए थे, पर हम अवार्ड वापसी जैसे चीजों पर चर्चा हमने नहीं की, हमने बिहार की स्थिति पर चर्चा की। ये लेखक क्या बिहार की स्थिति संभालेंगे, ये खुद तो अनुदान पे जीते हैं, उधार की चीजों पे जीते हैं, उधार की दारू, किसी की बीवी, अनुदान, ये इसी पे तो जीते हैं ये आज तक, ये क्या बिहार के चुनाव को में नेतृत्व देंगे और समझाएंगे नीतीश कुमार और त्यागी को। साफ साफ वहां रणनीति बनी अवार्ड वापसी की। 40 इसमें लेखक शामिल थे जो
जिन्होंने अवार्ड वापसी की और चार पांच उसमें ऐसे थे जिन्होंने साहित्य अकादमी से अपना इस्तीफा दिया। अब इसका जो सबसे बड़ा जो दूसरा पक्ष है वो है कि इसके इसको इंटरनेशनल बनाया गया, दुनिया के डॉन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सब जगह पूरे वर्ल्ड में। तो इसको कैसे बनाया गया, तो इसमें बड़े पैमाने पे पत्रकारों को शामिल किया गया। विश्वनाथ तिवारी ने साफ साफ लिखा है कि ये जो तीन चार महीने तक की पूरा विमर्श चला वो पूरी तरह से राजनीति थी, और इसमें जो पत्रकार हैं वो पत्रकार इन लेखकों को कहते थे कि आप अवार्ड वापस कीजिए। पत्रकारों को शामिल किया गया था इसमें, और इसका उदाहरण एबीपी न्यूज का आपको ध्यान होगा कि मुनव्वर राणा ने एबीपी न्यूज पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाया था, आप साजिश समझिए, और सर्टिफिकेट लौटाया था। मुनव्वर राणा अपने घर से अवार्ड और सर्टिफिकेट लेकर आया था स्टूडियो में बितंडा खड़ा करने के लिए, वहां लौटाने के लिए। और इसमें यह भी हुआ है कि इन सब को विमान से लाने ले जाने के काम मीडिया चैनल्स करते थे, ये एबीपी न्यूज ने किया है, इनको लाने ले जाने, ठहराने, खाने पिलाने, ये दारू यही सब के तो शौकीन है, ये साहित्यकार हैं, ये नरक हैं ये सब। और आप लोगों ने देखा होगा कि अगर साहित्य अकादमी को पुरस्कार लौटाना होगा, सर्टिफिकेट लौटाना होगा, मुनव्वर राणा उनको भेजते। और अगर चर्चा में आ रहे हैं तो अवार्ड जो है टीना पित्तल वो उठा के झोला में क्यों लाएगा लो, ये स्टूडियो से वितंडा खड़ा किया गया। इसलिए भी विश्वनाथ तिवारी जी ने लिखा है इसमें कि बड़े पैमाने पर इसमें पत्रकारों को शामिल किया गया था, और उन्होंने तीन कैटेगरी बनाया है। एक वो जो नरेंद्र मोदी के विरोधी थे और अकादमी का भी विरोध करते थे, उसमें पांच लेखक शामिल थे। दूसरे जो उनके मित्र थे, सहयोगी थे, जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। और तीसरे वो थे जिनको लाइट कैमरा एक्शन पसंद था कि बहती गंगा में दौरा, मीडिया मुझे भी तवज्जो दे दे, साहित्य अकादमी का पुरस्कार लेने के बाद भी कोई नहीं मुझे जान पाया, थोड़ा क्या कैमरे की चकाचौंध मेरे चेहरे पर भी आ जाए। अब क्या हुआ उसमें कि आप देखेंगे कि पूरा जो है इसमें देखिए पत्रकार क्या पूछ रहे हैं, आप कब लौटा रहे हैं पुरस्कार, क्या आप लौटाएंगे, आप क्यों नहीं लौटाएंगे। पत्रकार लेखकों को पुरस्कार लौटाने के लिए कह रहे हैं। और आपको याद होता है प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार सरकार का पार्टनर, जो पूरा मैनेजमेंट देखता था, वो मीडिया के साथ भी उसकी बैठक की सूचना आई थी, आप सबको शायद ध्यान होगा उस वक्त। फिर उसके बाद जो है काफी लंबा लेख है ये, आप लोगों को हमने उसको बताया था कि, और इनमें से वो लेखक थे जो आपातकाल में समय इंदिरा गांधी को सपोर्ट करते थे, वो कह रहे हैं यार लोकतंत्र की हत्या हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रही, अभी पुल प्रसून को चैनल ने मार के निकाला तो कह रहा है मोदी मॉनिटर करवा रहे हैं। साफ ये है कि वो पतंजलि ने आज तक का विज्ञापन बंद कर दिया क्योंकि पुण्य प्रसून ने बदतमीजी की बाबा रामदेव के साथ, एबीपी न्यूज में इसने फेक न्यूज चलाया, मालिक ने पूछा इसके बाद जवाब नहीं था, वहां भी बदतमीजी की, वहां भी पतंजलि का विज्ञापन बंद हुआ। कौन सा कंपनी ऐसे लोगों को रखेगा जो उसके बिजनेस को ही चौपट करता, और इसको मालिकों से प्रॉब्लम है, इसको ये खुद का अखबार खोल ले झुंझुना टाइम्स, रोज उसमें सुबह शाम तक मोदी गाली दे, मोदी मोदी लिखता रहे, कुछ भी खोल ले, हाथ मलता हुआ टाइम्स कुछ भी खोल ले। इसलिए ये लोग जो हैं ये उस गिरोह का पार्ट है, ये गिरोह है पूरा जिसको विश्वनाथ तिवारी जी ने इस पूरे गिरोह को खोला है। इसका जो मेन जो अच्छा पक्ष है वो पक्ष है कि हम और आप आज भी, ये घटना 2016 की है, आज भी हम इन साजिशों को नहीं समझ पा रहे हैं। पुण्य प्रसून एक कह रहा है उस पर 36 चीजें लिख रहे हैं, आज भी वही धंधे चल रहे हैं, ये धंधेबाज हैं, ये धंधेबाज हैं, इतने लोगों की नौकरी गई, कोई वॉल्वो के एसयूवी से चलने की हैसियत है पत्रकारों की, ये किस बात के लिए वॉल्वो के एसयूवी इसको मिला हुआ था, कैसे 2 करोड़ 1 करोड़ की सैलरी थी, ये सब धंधेबाज है। तुमने बाजार में जब 1 करोड़ सैलरी मांगा मिला
तो उस बाजार को तुम्हारे शो से टीआरपी और विज्ञापन भी आना चाहिए। तुमको बैठा के खिलाने के लिए कोई यहां नहीं बैठा है। तो तुम्हारे को फेक न्यूज दिखाओगे तो जो विज्ञापन दाता उसकी विश्वसनीयता भी खराब होती है, चैनल की भी खराब होती है, निकाला जाएगा, मार के निकाला जाएगा। तो मोदी ने असहिष्णुता पैदा कर दिया, इंटॉलरेंस पैदा कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र खतरे में। ये गाना भांड होते हैं नहीं उस जमाने में, वो भांडों की तरह ये गीत गा रहे हैं। आप लोगों को 2019 से पहले ये आज इसलिए जरूरी है कि 2019 के पूरे पैटर्न को आप लोग समझिए। ये लेख मैंने दिया था और इस लेख को देने के बावजूद लोग कहे लंबा है नहीं पढ़ पाए, वीडियो समझाइए, मैं वो भी समझाने के लिए आ गया। लेकिन इस चीज को समझिए, चाय की दुकान पे, नाई की दुकान पे आप बैठते हो बाल कटाने सप्ताह में या 15 दिन में जाते हो, चाय की दुकान पे जाते हो, राशन वाले की दुकान में जाते हो, मेट्रो से चलते हो, ट्रेन से चलते हो, बस से चलते हो, अपनी झिझक तोड़िए, चर्चा शुरू कीजिए। जब मुगल आतताइयों से देश आक्रांत था तो तुलसीदास जी ने जन जन तक राम की चर्चा के लिए रामलीला शुरू करा दिया। ये जिनको आप वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि समाज से कहते हैं और अस्पृश्य जैसा आप व्यवहार करते हैं, आप जानते हैं वो हमारे आपके लिए उन्होंने धर्म का रक्षण किया, उन मुगलों का, उन सुल्तानों का मैला ढोना पसंद किया। और जब समय मिलता था तो शाम को ये जगह जगह कीर्तन भजन मंडली के जरिए इस क्रूर औरंगजेब, अकबर, इन सब की जहांगीर, जो भी बाबर, इन सब की कहानियां सुनाते थे और कहते थे राम आएंगे और राम हमें उबारेंगे। तब जाके ये देश मुक्त हो पाया, भक्ति का पूरा एक आंदोलन चला देश में। सूर, तुलसी, चैतन्य, मीरा, रामानंद, ये पूरा आंदोलन चला। ये एक बौद्धिक आंदोलन था, इंटेलेक्चुअल आंदोलन था, इंडिजेनस भारतीय बौद्धिक आंदोलन था वो, विदेशी आक्रांताओं, विदेशी शासकों के खिलाफ। आज भी हमारा विदेशी शासक ही इटली वाला शासक बैठने को आतुर है और उसके पक्ष में ये भांड मीडिया, पेटिकोट मीडिया और ये पेटिकोट लेखक। जब राजीव गांधी ने सलमान रुश्दी की किताब को, ये लेखक है ये, तो सलमान रुश्दी की जब सैटेनिक वर्सेस को बैन किया, किसने इतना पुरस्कार लौटाया? एक ये उदय प्रकाश, मैं इनकी किताबें, इनकी कहानियां मुझे बहुत पसंद थी और मेरे मन से ये गिर गए। ये उदय प्रकाश ने पुरस्कार लौटाए, ये नयन तारा सागर ने पुरस्कार लौटाए, ये अशोक वाजपेयी चप्पल चाटता रहा कांग्रेस का पुरस्कार लौटाए। जब तस्लीमा नसरीन को दोहराया जा रहा था, लेखक, आप लेखक हो ना, मैं लेखकों का ही उदाहरण दे रहा हूं, बंगाल से भगाया गया, हैदराबाद में उस पर हमले हुए, आपने पुरस्कार लौटाए। जब मकबूल फिजा हुसैन एक पूरे संस्कृति पे हमला कर रहे हैं सरस्वती को नग्न बनाकर, तो आपने उसका विरोध किया। एक लेखक, पत्रकार के नाते, साहित्यकार के नाते, ये भांडगिरी आपको नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही समझ में आ रहा है। इसलिए इनको पहचानना जरूरी है। ये पेटीकोट अकबर के शासन को कहा जाता था, ये सब पेटीकोट है, ये पेटीकोट पहनने वाले लोग, इनको पहचानिए। ये पीढ़ी है, राहुल ने अच्छा शब्द दे ही दिया है, ये पीढ़ी है, इनके गले में पट्टा बंधा हुआ है गांधी परिवार का, गांधी परिवार के गंदे लोग हैं ये, चापलूस। इसको समझिए, इसको पहचानिए। ये जो बैठक हुई 22 जुलाई 2016 को, उस बैठक की पुष्टि विश्वनाथ तिवारी ने भी कर दी, अशोक वाजपेयी ने भी कर दी, केसी त्यागी ने भी कर दी। ऐसी साजिशों को समझिए, बड़ा लेख दिया जाता है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, क्योंकि लिखने वाला भी तो मेहनत कर रहा है। आप एक जो डालता है इस पे, उसको कितना मेहनत लगता है, उसके कीवर्ड्स बनाना, उसके टैग बनाना, उसके यूआरएल बनाना, उसके लिए फोटोज लाना, उस पूरे को बनाना, पूरी खबर को, और आप पढ़ना भी नहीं चाहते कि सर वीडियो समझा दो। तो क्या आप उस तरह का इंटेलेक्चुअल आंदोलन पैदा कर पाएंगे जो भक्ति आंदोलन पैदा हुआ था मध्यकाल में? जो आंदोलन, भारत का इंटेलेक्चुअल आंदोलन
भारतीय भारतीयों द्वारा, भारतीय संतों द्वारा जो पैदा हुआ, क्या वो क्षमता है? जब आप पढ़ नहीं पा रहे तो क्या आप उस आंदोलन को लीड कर सकते हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कोई केजरीवाल, कोई अहंकारी अन्ना कूद पड़ता है बीच में, कोई लेखक अशोक वाजपेयी जैसा कूद पड़ता है बीच में, कोई पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसा झूठ बोलने वाला मक्कार कूद पड़ता है बीच में, कोई रवीश कुमार को इसी चार साल में रेलवे की समस्या दिख रही, बैंक की समस्या दिख रही। लोग पूछते हैं सर वो तो रेलवे और बैंक की समस्या उठा रहा है, ये देश इस चार साल में अंग्रेजों से मुक्त हुआ है क्या? रेलवे और बैंक की समस्या पहले नहीं थी? एक रिपोर्ट ये बता दे कि हाँ भाई आज हम पांच रिपोर्ट हमने किया, पिछली बार हमने एक किया था, रेशियो नहीं है लेकिन एक किया था। तुमने 10 साल में एक रिपोर्ट नहीं की और पत्रकार बने हुए हो। इन सबको पहचानिए, इनके मुखौटों को नोचिए और वो ताकत तब मिलेगी जब आप फैक्ट से लबरेज होंगे, जब आपके तर्कस में फैक्ट रूपी तीर होगा, जब आप पढ़ेंगे और जब आप समझेंगे, क्योंकि इनका चक्रव्यूह बहुत जबरदस्त है। ये नंदिता दास कहती है असहिष्णुता आंदोलन, याद है आपको? इसने भी असहिष्णुता का मुद्दा उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि लुटियन बंगला इसके बाप का जतिन, इनके जो बाप हैं कलाकार थे जतिन दास, उनका लुटियन बंगला मोदी सरकार ने खाली करा लिया, इसलिए वो भी कह रही थी असहिष्णुता आंदोलन, असहिष्णुता आंदोलन। इन सबको आपको समझना होगा और ये जब तक नहीं समझेंगे ये समस्या बनी रहेगी। मैंने कोशिश की है उस दिन के लेख, बहुत बड़ा लेख है, लेख भी दिया और वीडियो के जरिए भी समझाने की कोशिश की है कि इस तरह के फैब्रिकेटेड लिंचिंग फैब्रिकेटेड, असहिष्णुता फैब्रिकेटेड, हिंदू आतंकवाद फैब्रिकेटेड, इंटरनेट हिंदू गुंडे फैब्रिकेटेड, इन सब फैब्रिकेटेड को कृत्रिम माल को समझिए। ये कृत्रिम माल बेचने वाले दुकानदार हैं, इनके माल को रद्दी में डालिए। ये चाइना टाइप नो टिकता माल है, इनको रद्दी में डालिए, नाले में फेंकिए इनको, इनको मुंह पे जवाब दीजिए, ये चुप हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर आत्मा नहीं है। आप एक बार अगर जवाब आपने देने की ठान ली, ये मिलमिलाते बिलमिलाते जाएंगे क्योंकि इनके खून में रिश्वत का पैसा दौड़ रहा है, क्योंकि इनके खून में रिश्वत की शराब दौड़ रही है, क्योंकि इनके खून में कोई रिश्वत की एक कहीं की कोई औरत दौड़ रही है। आपने एक संपादक के बारे में सुना होगा, जनसत्ता से रिटायर हुए थे, दूसरे की बीवी पे हाथ डालने चले गए थे, थप्पड़ मारा लप्पड़ मारा वही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। ये पतित लोग हैं, आप नहीं जानते, हम 15 साल जर्नलिज्म में रहे, ये पतित गिरे हुए नीच लोग हैं। तस्लीमा नसीम ने अपनी अपनी जीवनी में लिखा है लज्जा में कि वो एक वामपंथी साहित्यकार, बहुत बड़ा साहित्यकार, वो शराब पीता रात में अपनी कहानी सुनाता रहा। अब और तस्लीमा नसीम लिखती है कि दारू पीता गया, अपनी कहानी सुनाता गया और मेरा कपड़ा उघाड़ता गया। ये इतने नीच लोग हैं, ये इनकी नीचता की पराकाष्ठा है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये इतने नीच है। आप कहोगे तो मैं एक एक का काला चिट्ठा खोल दूंगा मैं। इसलिए आपको कहता हूं कि सारे फैब्रिकेटेड मामले को समझिए और मैं लगातार कहानी दे रहा हूं, प्लीज इंडिया स्पीक्स की कहानी पे भरोसा करके लोगों तक पहुंचाइए। अभी भी हम स्टूडियो में बैठे हैं, अभी एक दो घंटे काम करेंगे, रात के 9-10 बजे निकलेंगे, सुबह फिर भागेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि आप लोगों तक सच पहुंचा सकें। अगर आप लोग ही सच को नहीं स्वीकार कर पाओगे, नहीं आगे ले जा पाओगे, एक दूसरे तक नहीं पहुंचाओगे, तो फिर राष्ट्रवादी इस मूवमेंट को कैसे बल मिलेगा? आज मैं आप लोगों को यहीं पे छोड़ता हूं। कल शनिवार रविवार है, शनिवार रविवार को मैं लाइव नहीं करता, शनिवार रविवार को उपनिषद ऑडियो लाइव करता हूं। कल अगर समय मिला, उपनिषद के लिए खास तरह के मुझे माहौल में जाना पड़ता है खुद को, तो अगर वो माहौल मुझे मिल गया कल, तो मैं कल शाम 7:30-8 बजे के करीब उपनिषद ऑडियो के जरिए फेसबुक पर आऊंगा। और उपनिषद का मेरा मकसद भी यही है, ताकि जीवन में जब अध्यात्म आए तो बहुत ताकत मिलती है, बहुत लड़ने का हौसला मिलता है, जीवन को जानने की समझ जो है पैदा होती है। और उसके बाद सारे नकली जो हैं लोग हमारे आसपास सब नंगे हो जाते हैं, सब नंगी आंखों से दिखने शुरू हो जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर इस स्टूडियो से
सोमवार को आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।